आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें कि सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स के होते हैं और ये सभी क्वेश्चन वन डे एग्जाम में आए हुए एग्जाम में जो है क्वेश्चन होते हैं। तो आपको हमारे सभी वीडियो को वन बाय वन देखना है, और ये क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो आपके आए हुए क्वेश्चन है, जो कि बायोलॉजी के से हर एक एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप हमारे सभी वीडियो देखते रहें, और वही सभी दो तीन क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उसमें से आपको जरूर फंसेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल सबसे पहले दिया, किसने दिया? फ्रैंकाइस राउल्ट ने दिया, सोरेन सोरेन सेन ने दिया, एडवर्ड फैंकलैंड ने दिया, इनमें से कोई नहीं। तो किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए जो पीएच स्केल होती है सबसे पहले किसने दिया था? सोरेन सोरेन सेन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक होता है किसका रूपांतरित रूप होता है? अदरक जो होता है वो क्या होता है? तना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अदरक क्या होता है? तना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, या रेशम के कीड़े के लार्वा से, और स्वयं कीड़ों से। तो जो रेशम के उत्पन्न होता है वो किससे उत्पन्न होता है? रेशम के जो कीड़े के प्यूपा होता है उससे उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्याज है प्रकंद, राइजोम जिसको बोलते हैं, या बल्ब है, या ट्यूबर है, या कॉर्न होता है। तो जो प्याज है वो एक रूपांतरित तना होता है जो बल्ब होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली स्टार्च प्रोटीन का उदाहरण है। द्रव का गैस में विलयन, द्रव में विलयन, या द्रव का ठोस में विलयन, या गैस का द्रव में विलयन। तो जो जेली स्टार्च प्रोटीन का उदाहरण जो होता है, द्रव का ठोस में विलयन जो होता है, जेली स्टार्च प्रोटीन का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? वेयोग, नेकस, प्लेकस, या निवांस। समुद्र की सतह पर जो पाई जाने वाली वनस्पति होती है उसको निवांस निवांस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम से 400 किलोग्राम, या 100 से 150 किलोग्राम होता है, या 1000 किलोग्राम से अधिक होता है। तो कितना होता है? 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है हाथी के बच्चे का वजन। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? जीनान, आर्गन, हीलियम, या क्लोरीन। तो इसमें जो क्लोरीन गैस है वो आर्गन गैस नहीं है, ठीक है? कौन सी, सॉरी, नोबल गैस नहीं है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक नोबल गैस नहीं है, ये एक हैलोजन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या कहते हैं? नरम बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, या श्वेत बर्फ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन था। तो ये 10 क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।